2011 में बने खारक बांध प्रभावितों का मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। सोमवार को प्रभावितों से मिलने माधुरी बहन, जयेश नेताओं सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे। खरगोन में पिछले 8 दिन से कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना दे रहे बहुचर्चित खारक बांध के डूब प्रभावितों से मिलने प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पहुंचे। इस दौरान भूरिया ने धरना स्थल पर डूब प्रभावित आदिवासियों के साथ बैठकर चर्चा की। कांतिलाल भूरिया ने आदिवासियों की सुध नहीं लेने के बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 8 दिन से आदिवासी बारिश में बैठा है, लेकिन सरकार प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। भूरिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कमलनाथ सरकार ने 13 करोड़ रुपए का खारक बांध प्रभावितों को मुआवजा दिया था। बीजेपी की सरकार प्रभावितों की सुध नहीं ले रही है, आदिवासियों को सरकार जल्द मुआवजा दे। कांग्रेस जल्द ही चीफ सेक्रेटरी से बात करेगी। भूरिया के साथ खरगोन जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डावर, खरगोन विधायक रवि जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। बहन जी, ये 7 साल से पुनर्वास हो रहा है। 2017 के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे चलता गया 18 में उन्होंने फैसले दिए। 129 प्रकरण जिसमें जीआरए ने फैसला दे चुके थे, सरकार ने मना किया। अपने कोर्ट के फैसले में यह था कि जो भी जीआरए से असंतुष्ट है उनका फोटो देखा। पहले वो इतना कम था कि वो कोई जमीन ही नहीं ले पाए। सिर्फ 4-5 किसान ही जमीन, और वो भी आधा, जिसका कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि उनकी पुनर्वास की जाने के लिए। और बच्चों का भविष्य खतरे में। आप पहुंचे, एक बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? खारक डैम का मामला है और उनकी बपोती की ज़मीन डूबत में गई है और उस ज़मीन के बदले उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो मुआवजा नहीं तो उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहिए सरकार को, क्योंकि कोर्ट का भी फैसला है उनके पक्ष में। वो न कोर्ट का फैसला सरकार मान रही है, न उनकी जो भावना मांग है उसको मान रही है। सरकार बिल्कुल एक हिटलरशाही का काम कर रही है। हमारी मांग है कि शिवराज मुख्यमंत्री आप हैं तो आप उनके आदिवासी किसानों की ज़मीन गई उसके बदले उसका मुआवजा पूरा दें। कमलनाथ की सरकार ने 13 करोड़ रुपए दिए थे, आधा पेमेंट हो गया, आधा सरकार बदलने के बाद रुक गया, तो वो उनका पूरा उनको दे ताकि वो आज उनके छोटे छोटे बच्चे लेके आज यहाँ पर पड़े हैं भूखे प्यासे, कोई देखने वाला ना, न कलेक्टर सुनने के लिए आ रहा, न कोई भाजपा का सरकार का मंत्री आ रहा, और उन गरीब आदमी बेचारे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं। तो उनको उनको सुनना चाहिए, उनकी मांग मानना चाहिए। हम लोग भी इस बात को चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे कि मना नज़रअंदाज मत करो, ये 2 महीने की सरकार है, 2 महीने के बाद चले फिर चीफ सेक्रेटरी वगैरह तो रहेंगे, फिर हम तुमको हिसाब करेंगे, हम पूछेंगे क्या आखिर में क्या मजबूरी थी तुम्हारी, गरीब आदमी के साथ तुमने न्याय नहीं किया, वो सारी बातें हैं। तो इस बात को लेकर बारिश में भी बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हैं, तो इसलिए हमने कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए ताकि उसके जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर पालन कराए, ये हमारी मांग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।